हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घरों में होंगे, खुशहाल होंगे। तो यहाँ ये एरिया है जहाँ पर खुला, जहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं स्टिचिंग के, मेहंदी के, ब्यूटी पार्लर जो भी सीखते हैं, जो यहाँ पर बैठकर वो लोग सीखते हैं। और एक और एरिया ये देखिए जी, कंप्यूटर वगैरह यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर जो कंप्यूटर वगैरह सीखने आते हैं बच्चे स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर सीखते हैं। तो ये सारा एरिया था जहाँ पर इस तरह से बैनर्स वगैरह लगे हुए थे, तो ये पूरा का पूरा ऐसे खुला था। और ये देखिए जो हार लगा हुआ है फोटो पर, ये मम्मी के मतलब ओनर है यहाँ के एनजीओ के। ये देखिए जो जगह है ना, ये मम्मी की बहुत सारी यादों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए, ये हम अब घर आ चुके हैं। तो चलिए चाय चढ़ा दी जाए। चाय चढ़ा दी है मैंने यहाँ पर। और यहाँ देखिए राजमा और मूंग की दाल साबुत, और यहाँ उड़द की दाल साबुत मैंने यहाँ पर ले ली थी। रात भर भिगो चुकी थी मैं इसको, तो अब मैं इसको उबालने के लिए जा रही हूँ। 3 से 4 सीटी लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से, तो एक जो है ऊपर का लेयर, ऊपर की लेयर अच्छे से अलग हो गई थी इसकी। उसके बाद देखिए मैंने इसको 2 से 3 3 से 4 सीटियाँ मैंने लगा दी, पानी डालकर, नमक डालकर, स्वाद के अनुसार से थोड़ा सा कम डाले नमक यहाँ पर। तो ये देखिए नमक डालकर मैं इसको चढ़ा दूँगी गैस पर। ये देखिए, और यहाँ मैं चाय की तैयारी कर लूँगी। ये देखिए चाय चढ़ा दी मैंने, नॉर्मल चाय पत्ती, अदरक, चीनी, अच्छे से खोली हुई चाय, कड़कती धड़कती चाय, अच्छे से खोलने देंगे चाय को, अच्छे से पत्ती डालकर उबलने देंगे, उसके बाद अदरक वगैरह डालेंगे। कड़कती कड़क चाय मिल जाए ना शाम को, तो एक एनर्जी फ्रेश हो जाता है इंसान काम को करने के लिए, एक नई ऊर्जा सी आ जाती है। तो ये देखिए चाय अच्छे से उबल चुकी थी, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी। और ये देखिए चीनी, चीनी मैंने इसे बाद में ऐड की क्योंकि अभी मैंने पापा की चाय निकाल दी थी, क्योंकि वो शुगरलेस चाय पीते हैं, शुगर फ्री। तो ये देखिए मेरी चाय ये उबल चुकी है, तो मैंने चीनी अदरक वगैरह सब ऐड कर दी थी इसी में। देखिए इस तरह से चाय होना शाम का तो मज़ा ही अलग है। ये देखिए चाय तैयार है, मम्मी और मैं बैठकर एंजॉय करेंगे अपनी चाय बिस्किट के साथ। तो ये देखिए, चलते हैं इवनिंग डिनर की तरफ। ये देखिए प्याज लिया है मैंने, 3 टमाटर, 3 से 4, 6 से 7 हरी मिर्चें, लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं अच्छे से उखली में कुचल लूँगी, यहाँ चॉपर में डाल दूँगी। इतना बहुत टूट चुका है, 3 बहुत बार मैंने इससे काम लिया है ना चॉपर से, तो ये रखने उठाने में ही साइड से क्रैक हो गया था। तो यहाँ देखिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना लिया है, टमाटर को अच्छे से काट के रख लिया है, मक्खन साइड में रखा हुआ था, ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, मक्खन डाल दिया है, जीरा, हींग, और ये काली जो इलायची है मोटी इलायची वो मैंने डाल दी है। ये देखिए जीरा ऐड कर दिया है, मक्खन को इसी तरह से इसी स्टेज पर ही इसको पिघलने दीजिए, पिघलने का वेट मत कीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट आप डाल दीजिए, इसको इसी तरह से मक्खन में पकने दें, वेट ना करें कि मक्खन पिघलेगा और हम मसाला डालेंगे, इसी तरह से पकने दें इसको अच्छे से लहसुन अदरक के पेस्ट को। उसके बाद प्याज ऐड करें। ये देखिए जूम इन जूम आउट करके दिखा रही थी मैं आपको, यहाँ देखिए प्याज हरी मिर्चें ऐड कर रही थी मैं, बैकग्राउंड से आवाज़ आए तो उसके लिए रियली सॉरी। यहाँ देखिए बहुत अच्छे से मैंने प्याज ऐड कर दिया है, प्याज हरी मिर्चें उसको भी अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर ऐड कर दूँगी, टमाटर अभी मैं ये देखिए इसको अच्छे से सॉटे करूँगी, उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। देखिए 2 से 3 टमाटर थे यहाँ पर, और इसे भी मैंने अच्छे से, आप प्योरे भी बनाकर इसमें डाल सकते हो। ये देखिए अच्छे से इसमें ऐड कर दूँ, उसके बाद ये सॉल्ट डाल दूँगी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ देखिए बहुत अच्छे से बबल्स आने तक, इसको तेल सेपरेट हो जाए तक इसको पकाने। ये देखिए तेल सारा ऊपर आ गया, तो उसके बाद ही इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया था, अच्छे से इसे पकाना है। सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी अब इसमें मैं, ये देखिए सारे स्पाइसेस यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें यहाँ लिया है रेड चिल्ली का पाउडर, और ये देखिए 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर,
और हाफ टी स्पून यहाँ पर टर्मरिक पाउडर ऐड किया है। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग मसाले ऊपर नीचे कर सकते हो। तो यहाँ ये देखिए, अच्छे से सारे मसाले ऐड कर दूँगी, अच्छे से सॉटे कर लूँगी मसालों को, तेल में भून लूँगी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल डाल के इसको अच्छे से पकाएं। सारे टमाटर प्याज अच्छे से भुन जाएंगे, सब ग्रेवी बन जाएगी। अच्छे से कचूमर निकाल देना सारे मसालों का। ये देखें, अच्छे से पकाएं पानी डाल डाल के। इसे देखिए, पानी डाल के थोड़ा सा अच्छे से पकाया था मैंने। और यहाँ देखिए, बहुत अच्छे से पकाना है आपको इसमें। ये देखिए, इस तरह से हो जाना चाहिए, टमाटर सब चीज़ें पक जानी चाहिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर दाल ऐड कर दूँगी मैं। दाल को भी अच्छे से सॉटे कर लें, दाल ज़्यादा हो गई थी कढ़ाई में, इसलिए बस थोड़ा सा इसको दाल को भी ग्रेवी में डालकर भून लिया था। उसके बाद मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर ली थी दाल। ये देखिए, दाल को कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें डाल दी कसूरी मेथी। इस तरह से क्रश करके डालेंगे ना तो इतना अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड किए हैं। खुला पकाया है 2 सीटियों में, 2 सीटी लगने तक इसको पकाना है आपको। ये ढक्कन बंद करके इस तरह से चला दी थी क्योंकि कसूरी मेथी अच्छे से और यहाँ देखिए, बड़े एक बड़ा चम्मच राजमा मसाला डाला है। कसूरी मेथी को भी अच्छे से चलाएँ उसके बाद ही, और इस मसाले को भी अच्छे से चला लें, स्टर दे दें एक, और फिर उसके बाद 2 सीटियाँ, और फिर हमारी दाल मखनी बिल्कुल डन है। अब मैं यहाँ पर करूँगी पुलाव की तैयारी। तो चलिए, चावल धोकर रख लिए हैं मैंने, मटर भी अच्छे से 2 से 3 मुट्ठी यहाँ पर मटर लिए हैं, ज़्यादा मटर थी नहीं। ये है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है थोड़ा सा, 1 से 2 चम्मच, और यहाँ पर मैंने ज़ीरा ऐड किया है। और ये देखिए, चावल और मटर को इसमें ऐड कर दिया है। ये है कढ़ाई दम पुलाव। और यहाँ देखिए, अच्छे से इसमें पानी ऐड कर दूँगी, जितने चावल हो उतने ही उससे उतना ही पानी, उससे आधा गिलास एक्स्ट्रा पानी रखें आप, बहुत अच्छे से चावल बनेंगे। और ये देखिए, अच्छे से इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी, उसके बाद पानी ऐड कर दूँगी। सारा सब चीज़ अच्छे से हो गया था, दाल आटा गूंद कर रख लिया था साइड में। और यहाँ देखिए, हमारी ये दाल मखनी की शक्ल देख लीजिए, बिल्कुल पक कर तैयार थी 1 से 2 मिनट के बाद, ये देखिए। और आज की हमारी थाली इस तरह से बिल्कुल तैयार है, फ्रेश। ये देखिए, पराठों के साथ, पूड़ी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।